अस्सलाम वालेकुम, लेट्स टॉक अबाउट कनाडा। कनाडा में कोरोना वायरस के पेशेंट्स की जो तादाद अभी है तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है और कनाडा में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। कनाडा में कोरोना वायरस से जो पेशेंट्स ठीक ठाक हो चुके हैं वो तकरीबन 60,000 हैं। 1,10,000 केसेस हैं और 60,000 सेहत याब हो चुके हैं और कनाडा से कोरोना वायरस में मरने वालों की तादाद तकरीबन 10,000 होने वाली है। अच्छा, कनाडा के अंदर जो कोरोना वायरस का पहला केस आया था वो 27 फरवरी को आया था। वो कुछ ऐसा था कि एक चाइना का एक सिटीज़न चाइना के एक शहर वुहान गया था और जब वो वहाँ से वापस आया तो उसने सिम्टम्स अपने अंदर देखे और बाद में उसने अपना टेस्ट करवाया और उसका कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला था। तो जिसकी वजह से कनाडा के अंदर 1 महीने के अंदर कोरोना वायरस के पेशेंट्स आहिस्ते आहिस्ते से बढ़ते गए और अभी जून में तकरीबन 1,10,000 केसेस हैं। अच्छा, कनाडा में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी कोरोना वायरस हुआ है। फॉर एग्जांपल के कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उसकी वाइफ सूफी ग्रैफी ट्रूडो, उन्हें भी कोरोना वायरस हो गया था। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी फैमिली थी ना, उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन में रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी बीवी ठीक ठाक हो चुकी हैं और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हैं। एक और चीज़ थी, अगर आप चाइना जाएंगे तो आपको वहाँ पे 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा, फिर आप चाइना में कहीं भी कनाडा में कहीं भी घूम सकते हो। तो ये थी कनाडा के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। अभी और मैं कंटिन्यू